भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राम विरोधी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, लेकिन मैं कभी इस बात पे विश्वास नहीं करती थी। लगातार 22 साल मैं इस पार्टी में रही और हमेशा से पार्टी के बाहर भी अंदर भी हमेशा से ये सुनने को मिलता था, पर मैं कभी विश्वास नहीं करती थी। और हम कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, आज तक के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी जी की तो हर सभा की शुरुआत ही रघुपति राघव राजा राम से होती थी, तो हम कभी सोच ही नहीं सकते थे और मैं मानती ही नहीं थी जब भी कोई चीज सामने आती थी। लेकिन मेरी आंखों से पर्दा उस दिन हटा, सच्चाई मेरी आंखों के सामने उस दिन आई जब मैं स्वयं रामलला के दर्शन करने गई। कुछ समय पहले मेरी नानी की मृत्यु हो गई और वो बहुत बड़ी राम भक्त थी। जब राम लल्ला को टेंट में रखने का काम कांग्रेस ने किया था उस समय वो दर्शन करके आई थी और उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो राम जी के दर्शन करके आए। इसीलिए मेरी माँ ने बार बार कहा कि वो राम जी के दर्शन करके आना चाहती हैं, तो मैं उनको वहां लेकर गई, अयोध्या लेकर गई। अयोध्या में जाके हमने रामलला के दर्शन करे और बहुत, जब वहां से मैं वापस आई तो तन मन और हर तरीके से मैं राममय हो चुकी थी और इतना ज्यादा एक अलग ऊर्जा मेरे अंदर आई। और मैं वापस आके सबसे पहला काम जो मेरे दिल से अंदर से आया, मैंने अपने घर के बाहर आके जय श्री राम का एक ध्वज लगा दिया। बस वो ध्वज लगाने की देरी थी कि आग लग गई और उसी समय से हमारी पार्टी, मतलब जिस पार्टी में मैं पहले थी कांग्रेस पार्टी, ने मेरे से नफरत करनी शुरू कर दी। और वो तुरंत जब मैंने फोटो डाली, वीडियो डाले, तो मेरे को लगातार डांट सुननी पड़ी और लगातार बोला गया कि इसको आपने क्यों किया, क्यों तुम राम मंदिर होके आई जब चुनाव सर पे है, क्यों हर बार ये डालो। और मुझे लगातार कहा जाता था कि तुम बहुत हिंदू धर्म के लिए बोलती हो और कई बार मुझे रोक दिया जाता था डिबेट्स पे कि नहीं, तुम बहुत ज्यादा हिंदू धर्म के लिए बोलती हो, क्या अपने धर्म का स्टैंड लेना गलत है, मैं तब समझ नहीं पाती थी। लेकिन जब मुझे डिबेट्स पे जाने से रोका गया, कम कर दी गई और टास्क जो दिए जाते थे वो कम कर दिए गए, लगातार हस्त मोर पे अपमानित करना शुरू कर दिया गया, तब मुझे समझ आने लगा कि क्या शायद कुछ गड़बड़ है। लेकिन मैं तब भी नहीं समझ पाई थी कि एक षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा जा रहा था मेरे कैरेक्टर को लेकर और भी चीजों के लिए, एक षड्यंत्र रच के मुझे ऐसे अपमानित किया जाएगा। राधिका खेड़ा, उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस में जब वो थी तब उन्होंने अपनी बात सबको रखी लेकिन उनके साथ न्याय नहीं हुआ। वो राम मंदिर गई तो उसके बाद से उनको साइडलाइन कर दिया गया, डिबेट्स में भी जाने नहीं दिया गया। सर्वप्रथम राम मंदिर जाने वालों में से मैं थी। मैं अविनाश पांडे जी के साथ, अजय राय जी के साथ, अखिलेश प्रताप सिंह जी के साथ, दीपेंद्र हुडा जी के साथ, आराधना मिश्रा मोना जी के साथ राम मंदिर दर्शन करने गई थी। मैं तो CWC सदस्य हूं, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। दीपेंद्र हुडा को टिकट दिया गया, अखिलेश प्रताप सिंह को टिकट दिया गया, अविनाश पांडे प्रभारी महासचिव उत्तर प्रदेश के हैं, अजय राय जी अध्यक्ष हैं, वो भी वाराणसी से मोदी जी की नींद उड़ाए हुए हैं। तो भाई ये जो स्क्रिप्ट है ना, ये थोड़ी बोरिंग हो गई है और सबके लिए एक ही तरह की लिखी जाएगी, तब तो पता चल जाएगा स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है। अरे स्क्रिप्ट में तो प्रधानमंत्री जी भी बोरिंग पुरानी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, हमारे वालों को भी वही बोरिंग पुरानी स्क्रिप्ट पढ़ाई जा रही है। तो मेरा अपना मानना है कि आपके कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, आपके कोई रीजन हो सकते हैं जाने के, रुकने के, वो तमाम चीजें हैं, उस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन राम का नाम तो बदनाम मत करो, क्योंकि राम मंदिर तो हमारे विक्रमादित्य जी भी गए, हम भी गए, चरणजीत सिंह चन्नी जी भी गए, तमाम मैंने नाम बता दिए, तमाम हमारे नेताओं ने जाके रामलला के दर्शन किए, हम में से तो किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हम लोग तो मुझे लगता है मेनस्ट्रीम लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के।